अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको गुड़ वाले चावल बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी से तैयार होते हैं, टाइम भी बहुत कम यूज़ होता है। सबसे पहले 2 ग्लास पानी में 3 गुड़ मैंने मीडियम साइज़ के डाल दिए हैं। इनका हमने शीरा तैयार करना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। देखें, बिल्कुल घुल चुका है, अभी बिल्कुल तैयार है। मैंने 1 ग्लास चावल भिगो दिए थे 20 मिनट के लिए। 4 से 5 सब्ज़ इलायची लेंगे, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, दूध 1 ग्लास, कोकोनट मैंने इस स्लाइस की सूरत में काट लिए हैं। ये आपने अपनी पसंद से जितना आप लोग ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बादाम के छिलके को मैंने उतार दिया था। 1/2 कप घी इसमें यूज़ करेंगे। और ये शीरा गुड़ का जो हमने तैयार किया है, ये 2 कप। अब हम एक पैन में घी को शामिल करेंगे। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, हम इसमें लौंग, इलायची और दालचीनी को डाल देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम कोकोनट ऐड करेंगे जो हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। इसके बाद 1 कप दूध शामिल कर देंगे। ये साथ ही हमने जो शीरा तैयार किया है उसको स्ट्रेन करके यूज़ करेंगे। इसके नीचे मिट्टी बहुत होती है, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब हम इसमें बाकी के नट शामिल कर देंगे। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। इसके अंदर मैंने फलक बासमती यूज किया है, ये चावल बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर जो झाग आती है वो हम उतार लेंगे। अब हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। देखिए, इसका पानी ड्राई हो रहा है। हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम पर रखेंगे। चावल बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर मैंने खोया और बादाम पिस्ता क्रश करके डाल दिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।